लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। पूरे विश्व के साथ भारत देश में भी मुहर्रम का पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया और हर जगह एक उत्साह और हर्षोल्लास लोगों के बीच देखने को मिला। आपको बता दें, हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह नागपुर में भी दिघोरी के पास उमरेठ रोड पर स्थित है। जो यहाँ दरगाह मुस्लिम सूफी संत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन को समर्पित है। R9 भारत आज जा पहुँचा है इस स्थान पर, जिन्हें ताजुद्दीन बाबा के नाम से जाना जाता है। यह सभी धर्मों के उपासकों की एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, लोगों को मन्नतें लगाते हैं और आस्था के तार बांधते देखा जा सकता है। दरगाह की सरल लेकिन शानदार वास्तुकला, जलती हुई धूप की सुगंध, कव्वाली की आवाज और शांति किसी के भी मन को मोह सकती है और अपनी ओर आकर्षित करती है। R9 भारत टीवी स्क्रीन पर आज आप यह विशेष खबर देख पा रहे हैं। इसमें वाजू डिस्प्ले के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है। वह स्थान जो कव्वाली से गूंजता है, सूफी विचारधारा में विश्वास को मजबूत करता है, इस्लामी विरासत के महत्व की पुष्टि करता है और सर्वशक्तिमान के साथ एकता का उपदेश देता है। अगर कोई आंतरिक शांति का अनुभव करना चाहता है तो इस जगह की यात्रा अवश्य करें। आपको बता दें, सबसे अहम बात, 500 बेड का एक हॉस्पिटल होगा। जी हां, आपको बता दें, यह ताजुद्दीन बाबा दरगाह परिसर में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। मजबूत निर्माण कार्य करने से वह लंबे समय तक टिका रहेगा। साथ ही इस परिसर में गरीबों के लिए ताजुद्दीन बाबा के नाम से 500 बेड का भव्य अस्पताल निर्मित करने की घोषणा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने करी है, जो कि सराहनीय है और पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा भी हो रही है। ताजुद्दीन बाबा दरगाह परिसर का सौंदर्यीकरण, अन्य विकास कार्यों और भविष्य में होने वाले ताजाबाद उर्स के उत्सव को लेकर गडकरी ने समीक्षा बैठक ली। विधायक प्रवीण दटके, मोहन मते, दयाशंकर तिवारी, CP अमितेश कुमार, प्रन्यास सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी, ताजबाग ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान और विश्वस्त उपस्थित रहे। सीधा जुड़ेंगे ब्यूरो चीफ साहिल के साथ, देखिए यह विशेष रिपोर्ट। R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल से जिला ब्यूरो चीफ साहिल की विशेष रिपोर्ट। जैसे कि आज हज का जत्था वापस आया हुआ है सऊदी अरब से, बोले तो मक्का मदीना से, तो जिसमें से हमारे नाना नानी भी मौजूद है और भी परिवारगण के सारे लोग भी आए हुए हैं। तो जैसे कि आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये नागपुर की विशेष दरगाह ताजुल ओलिया के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं, अपनी दिली तमन्ना मुराद पाते हैं। तो आज 10वीं तारीख मुहर्रम की भी है, तो हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं और हमने हाजिरी पेश करी है और बाबा से दुआएं प्रार्थना करी है और हमारे देश के लिए अमन शांति की भी दुआ